मदरसों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। इस कारण अब मदरसों के विद्यार्थियों को वजीफा भी तभी मिलेगा जब उनकी उपस्थिति बायोमेट्रिक के जरिए होगी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश का पालन नहीं करते हैं तो वेतन अनुदान, सरकारी सहायता और वजीफे पर असर पड़ेगा। शासन के अनुदान प्राप्त कर रहे मदरसा संचालकों को इस बाबत अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने अवगत कराया है। राज्य सरकार अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को वजीफा देती है, शिक्षकों को वेतन के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है। जिले के 2 मदरसे शासन से अनुदान प्राप्त करते हैं और 212 मदरसे ऐसे हैं जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। सभी मदरसों के विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति देने के निर्देश हैं। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद खालिद ने बताया कि बायोमेट्रिक उपस्थिति की मशीन खुद मदरसा को अपने संसाधन से खरीदनी है। इसके लिए कोई भी आर्थिक मदद शासन की ओर से नहीं मिलेगी। विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षकों की उपस्थिति भी बायोमेट्रिक से ही होगी। शिक्षक किस समय आते हैं इसका भी रिकॉर्ड रहेगा। पिछले दिनों हरदोई समेत कई जनपदों में मदरसों में फर्जी छात्र संख्या दिखाकर वजीफा हड़पने के मामले सामने आए हैं। मामला खुला तो कार्रवाई हुई और अब बायोमेट्रिक से ही सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो छात्र वजीफा पाएगा वे वास्तव में मदरसा पढ़ने आया भी है या नहीं। वहीं एक छात्र एक से अधिक मदरसों में पंजीकृत भी नहीं हो सकेगा क्योंकि वजीफे के डेटाबेस को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है।